अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के उषा नगर स्थित गौरी केसर अपार्टमेंट में रहने वाले कपड़ा व्यवसायी लोकेश चोपड़ा के यहाँ बदमाश ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें बदमाशों ने लोकेश की पत्नी, उनकी बहू और नौकरानी को बंधक बनाकर नकदी व जेवरात लूट लिए थे। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़ाए अपराधियों को के नाम पप्पू जाटव, बंटी, सोनू उर्फ अभय, शुभम शर्मा, राहुल केवट, गोपी पारसनिया, तरुण, राजेश उर्फ नेपाली और गोविंद ठाकुर है। इंदौर आईजी विवेक शर्मा के अनुसार सोनू उर्फ अभय घटना को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी है, जो 5 अन्य लोगों के साथ फरियादी के घर में घुसा था। इसके साथ ही गोविंद ठाकुर मल्टी का सिक्योरिटी गार्ड, जिसने बदमाशों को फरियादी के घर से संपत्ति होने की सूचना दी थी। इंदौर आईजी विवेक शर्मा के अनुसार इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड पप्पू जाटव है। 5 आरोपी वारदात करने घर में घुसे थे। 3 आरोपियों ने रेकी की, वहीं सुरक्षा कर्मी ने इनकी मदद की। इंदौर आईजी के अनुसार यदि आरोपी पकड़ाए नहीं जाते तो जल्द 3 वारदात को अंजाम देने वाले थे। इंदौर शहर में पिछले 3-4 दिनों में जो 2 प्रमुख लूट की वारदातें हुई थी, उसमें पुलिस को कामयाबी मिली है और दोनों घटनाओं के समस्त आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पहली घटना 8 तारीख को दोपहर को हुई थी, जिसमें उषा नगर में एक अपार्टमेंट में महिलाओं को बंदी बनाकर 4 लोगों के द्वारा गहने लूट लिए गए थे और वहां से फरार हो गए थे। और दूसरी घटना 10 तारीख को दोपहर को एक्सिस बैंक में जो लूट हुई थी वो घटना थी। उषा नगर वाली घटना में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 5 व्यक्ति घटना के समय, 4 बताया, 5 व्यक्ति एक्चुअली प्रविष्ट हुए थे और उन्होंने घटना कारित करी थी। 3 लोग नीचे वहां पर रेकी कर रहे थे और 1 उसमें सिक्योरिटी गार्ड इन्वॉल्व था, जिसने कि उनको, इन आरोपियों को हथियार दिया। इसमें जो घटना का जो मास्टरमाइंड है वो है पप्पू जाटव, इसका पूर्व में क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और इसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो जो है मजदूरी का काम करते हैं और इनका अभी क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, परंतु इन लोगों ने कई सारी घटनाएं करने का प्लान किया था। यह ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे थे जिन लोगों के पास, इस तरह के बिजनेस में वो होते हैं जिनके पास कैश रहता है और बैंक आजकल जाने में लोग कतरा रहे हैं, तो जिनके घर में महिलाएं दोपहर को अकेली रहें, इस तरह की इन्होंने 3 वारदातें संगम नगर, कलानी नगर और परस्पर नगर में अगले कुछ दिनों में प्लान कर रखी थी। अगर ये नहीं पकड़े जाते तो निश्चित रूप से 3 वारदातें हमारे हाल फिलहाल में होती। इसमें जो सीसीटीवी फुटेज शुरू में आए थे, उन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आपने भी प्रसारित किया, उसमें एक रेड एक्टिवा दिखी थी, एक व्हाइट एक्टिवा थी, एक मोटरसाइकिल थी। उसके बेसिस पे हमने फील्ड सर्च के लिए करीब 20 टीम, एडिशनल एसपी क्राइम राजेश रघुवंशी और एडिशनल एसपी मनीष खत्री के नेतृत्व में बनाई थी, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस वहाँ से कलेक्ट करी, फील्ड इंटेलिजेंस गैदर करी, पुराने क्रिमिनल्स से पूछताछ करी और अंततः इन लोगों को एक स्वीपिंग ऑपरेशन में हमने कल रात में सभी को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 पिस्टल, जो एक पिस्टल, एक कट्टा, 2 चाकू, 2 सोने की चेन, एक मंगलसूत्र, 1 सोने का ब्रेसलेट और इसमें चांदी के कुछ सिक्के जेवर और 15,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं। इसमें जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने इनको हथियार मुहैया कराए थे और इस सिक्योरिटी गार्ड को भी हमने गिरफ्तार किया है। इसमें जो मुख्य चीज रही है वो ये लोग जो है ये जुआ वगैरह खेलने के शौकीन टाइप के लोग थे, जिनके पास पैसे की वो रहते नहीं थे, पर लॉकडाउन के दौरान इतना इनका जॉब भी नहीं चल रहा था,
तो इन्होंने ये सोचा कि हम इस समय लूट के हम जो पैसा हमें मिलेगा वो आपस में बांट लेंगे। इसके अतिरिक्त सेकंड जो वारदात थी वो